बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह सोया उठा, अभी नाश्ता भी नहीं किया, बाबा की कॉल आई है, कह रहे पीटर का बेल्ट टूट गया, जल्दी जल्दी लेके गाँव पहुँचो। चलते हैं जल्दी जल्दी, बाजार से बेल्ट लेके गाँव चलते हैं जल्दी जल्दी। बाइक के अंदर पेट्रोल भी देख लेते हैं कि नहीं यार, इसके अंदर तो पेट्रोल भी नहीं है, अभी पेट्रोल डलवाते डलवाते और लेट हो जाना। चले कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी स्पीड लगाते हैं आज। और यार गाइस फाइनली देख सकते हैं बेल्ट मैंने न्यू ले ली है, चलते हैं सीधा गाँव, अब गाँव जाके मिलेंगे जल्दी बहुत ज्यादा। और यार गाइस फाइनली मैं बेल्ट लेके पहुंच गया, वो सामने पीटर, बाकी गंदम का व्यू चेक करें, इस तरह गंदम को पानी लगाया, बेल्ट टूट गया था, पीटर बंद हो गया, चलते हैं जाके बेल्ट डाल के स्टार्ट करते हैं दोबारा पीटर। और यार गाइस वो बेल्ट छोटे निकल आए हैं, लंबे चाहिए थे, दो लेके आया था, फिर भी 120 और 122, उधर 124 या 25 लगने हैं। वो अंकल कह रहे हैं मेरे पास पड़ा है, चले देखते हैं उनके पास अगर है वो लग गया तो फिर लगाएंगे, नहीं तो दोबारा बदोमली जाना पड़ना है। उम्मीद है लग जाएगा, ये बेल्ट लग गया तो फिर तो चल जाएगा, नहीं तो फिर एक घंटा फिर चले जाना है इस तरह ही। बाइक को करते हैं स्टार्ट, जीप के ऊपर आए थे, जीप भी इधर खड़ी है, चलते हैं गाँव जल्दी जल्दी। और यार गाइस फाइनली बेल्ट ले लिया है, गाँव से ले आया हूँ, बाकी माशाल्लाह व्यू चेक करें कितना हो, चलते हैं जल्दी जल्दी जाके चलाते हैं पेटर। और यार फाइनली पीटर स्टार्ट हो चुका है, बेल्ट देख सकते हैं, बेल्ट भी पूरा आ गया, वो बाबा ने बेल्ट चढ़ाया, तो देखते हैं पानी उठाता है कि नहीं। एक बार में पानी भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं पानी उठाने में, लेकिन शाला जल्दी उठा लेगा, नहीं उठाया पहली बार में, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, फिर दोबारा फिर बेल्ट उतार के बेल्ट चढ़ाएंगे तो फिर ये पानी उठाएगा, नहीं फिर भी देख सकते हैं एक बार उठाता है कि नहीं। तो इस तरीके से होते हैं, लोग देखते हैं रेस वगैरह देख के, फिर फैसला आपके नहीं। नहीं यार पानी नहीं खा रहा है, बेल्ट उतारा गया दोबारा, फिर बेल्ट चढ़ाने लगे हैं, उठा आ गया गया बेल्ट दोबारा, देखते हैं पानी उठाया इसमें कितनी बाकी है, सामने से भी चेक करें कितना खूबसूरत। और यार फाइनली पीटर स्टार्ट हो गया है, पानी पानी पूरी उसने निकालना शुरू कर दिया है, आगे पाइप लगा है, आगे एक एकड़ से दूसरे एकड़ में पानी लगाना है, फिर उसको नहीं ना पानी लगाना, पहले आगे वाले को लगाना, फिर पाइप के जरिए पानी लगाया जाता है। चले हम चलते हैं बदोमली जाके बेल्ट वापस करते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर बाजार आना है, गोश्त भी लेना है आज, चले चलते हैं वापस, अब बेल्ट क्लियर करते हैं चलते हैं वापस। और यार फाइनली आप सब भाइयों ने मेरे पिछले लॉग में देखा ना था, इस खेत में गंदम, लोग गंदम कह रहा हूँ, इस खेत में वो
शलजम काटते हुए हैं, देखते हैं मेरे को शलजम ढूंढता है, कुछ शलजम खाते हैं। सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया, खाली पेट कच्ची सब्जियां अच्छी होती हैं। चलें देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर वापस। और यार गाइस फाइनली शलजम हमें मिल गया, वो सामने नजर आ रहा है, ये देख मिला, छोटा सा ही लेकिन मिल गया है। चलें एक दो और तारते हैं फिर चलते हैं। और यार गाइस फाइनली शलजम मैंने तार लिए, चलते हैं, जाते वक्त हवेली से वॉश करते हैं और रास्ते में खाते जाते हैं। और यार गाइस फाइनली बेल्ट ले लिए हैं, शलजम वगैरह मैंने खा लिए हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी बल्लो बल्ली। फाइनली बेल्ट वापस करने के बाद मैं घर पहुंच गया हूँ, करते हैं नाश्ता फिर चलते हैं गाँव। और यार अब मैं जरा आया हूँ लाइट स्कूल, मामू के बेटों ने कल जाना था शादी पे, उनके बाल कटवाने थे, नानी की कॉल आई थी, कह रहे थे इनको ला के उनके बाल कटवा के वापस स्कूल छोड़ दो, लेके चलते हैं कटवाते हैं इनके बाल। फिर फाइनली यार हसनैन आ गया है और हसन अभी अंदर है। हसनैन क्या कंपटीशन हुआ है आपका? माल्टा। कौन जीता है? मैं। सारा माल्टा खत्म कर लिया आपने, जीत गए हो, चलो शाबाश। हसन भाई किधर है? छत पर। और यार फाइनली हसनैन की कटिंग शुरू हो गई है, जैसे ही कटिंग होती है अब इसको स्कूल छोड़ के आते हैं, स्कूल जाना है इसने, वो फोन आ रहे हैं इसके स्कूल से, काफ़ी देर हो गई, घंटा हो गया तकरीबन, इसको मैं लेके आया, जो करवाता है कटिंग, फिर चलते हैं यार। फाइनली उसने बाल कटवा लिए, चलते हैं अब गाँव। और यार गाइस फाइनली उनको घर छोड़ दिया, छुट्टी हो गई थी, मैं दोनों को ही ले आया था, दोनों भाई और एक दो तीन बच्चे हैं, एक बेटी दो बेटे हैं मामू के, तीनों को घर छोड़ रहे हैं वो। कल थी यार भी, कल टाइम नहीं था लगा, आज वो खत्म लाना है, देख बना रहे हैं, चलते हैं हवेली जा। और यार इधर कितने लोग लगे हैं, वो सामने दादा वो बैठ के निकाल रहे हैं, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो अब चला गया हूँ मटन का। फाइनली यार आग लगा दी गई है, देख ऊपर रख दी गई है, उधर अभी मटर वगैरह निकाल रहे हैं, वेजिटेबल वाले चावल पकने हैं। चलें अभी देख को अच्छी तरह साफ किया जाना है, इसके अंदर पानी डाला, जैसे ही पानी साफ हो जाएगा फिर इसको पानी निकाल के फिर अंदर घी डाल के शुरू होगा प्रोसेस, दिखाते हैं आपको। दुला भी आ गया जी, दुला। और यार फाइनली को 10-15 मिनट के बाद देख तैयार हो गई है, चले चलते हैं। यार खाना खुल गया, प्लेटें कम पड़ गई, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्लेटें लेके आते हैं। फाइनली मैंने चावल वगैरह खा लिए हैं, घर के लिए भी डाल लिए हैं बर्तन के अंदर, चाचू अमर के लिए छापर के अंदर भी डाल लिए हैं, चलते हैं बदोमली जाके मिलते हैं घर चावल देख, फिर चाचू अमर के पास लेके चलते हैं चावल, उसको भी भूख लगी होनी है। और यार गाइस फाइनली चावल वगैरह घर मैंने तप के दे दिए, लेटा था तब कर मन में रेस्ट कर लेते हैं, चलते हैं वापस गाँव, आज गाँव के चक्कर लगने हैं, बाबा को लेने जाना, बाइक मेरे पास है, दूसरी बाइक गाँव पर लेकर के आना। और यार गाइस फाइनली मैं गांव पहुंच गया हूँ, चलते हैं गाड़ियाँ हवेली, बाकी माशाल्लाह व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है, अरे चलते हैं बाबा को लेके फिर चलते हैं वापस बदोमली, अभी को आधा घंटा ठहरेंगे तकरीबन, मगरब के जाने के टाइम तकरीबन बाबा जाते हैं। गाइस फाइनली पापा को लाने के बाद गाँव से लेकर मैं आ गया था, अभी वो गए कहीं किसी दोस्त की सिस्टर डेथ हो गई है, वो उधर जनाजा पढ़ने गए हैं, और मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, सुबह का ट्रोजर शर्ट ही पहना था, तो चलते हैं। चल गई, ये था हमारा आज का छोटा सा मजेदार ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।